ओम शांति। मधुबन बेहद घर से, हम ब्राह्मणों के लिए समय प्रमाण, अनेक पुरुषार्थ आते, बाप दादा के इशारे आते, अंतिम समय प्रमाण दिसंबर 2024 के लिए, मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया, जिसमें दादी रतन मोहिनी जी कहती, सदा संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट मणि बनो, सदा संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट मणि बनो। प्राणेश्वर अव्यक्त बाप दादा के, अति लाडले सदा स्वमान की सीट पर, एकाग्र रहे सबको संतुष्ट करने वाले और सदा संतुष्ट रहने वाले, सदा निर्विघ्न विघ्न विनाशक सेवाधारी, निमित्त टीचर्स भाई बहने तथा देश विदेश के ब्राह्मण कुलभूषण संतुष्ट मणिया, बाबा के नैनों के नूर सभी अलौकिक भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न याद स्वीकार करना जी। बाद समाचार है, समय प्रति समय प्यारे बाप दादा ने सच्चे सेवाधारियों को यही विशेषता सुनाई है कि सेवाधारी वह है जो सेवा में व स्वपुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, और जिन्हों की सेवा के निमित्त बनना है उन्हों को भी संतुष्ट करता है। बाबा कहते ब्राह्मण माना समझदार, उन्हें कोई कितना भी असंतुष्ट करने की कोशिश करे वह कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन आंतरिक संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं, और ब्राह्मणों के लिए गाया हुआ है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, तो फिर असंतुष्टता क्यों? तो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट रहे, प्रसन्नता की लहर फैलाते चलो। भले कोई बड़े से बड़ी परिस्थिति भी आ जावे, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतुक करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त रहे, सदा प्रसन्नचित रहो। प्रसन्नता व संतुष्टता की झलक आपके चेहरे से दिखाई दे, अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वह सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो भले सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो तो समान बन जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। लेकिन यह अनुभव तभी कर सकेंगे जब मनसा में भी अपवित्रता का अंश ना हो, बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना यह भी अपने को धोखा देना है। तो चेक करो और फाइनल पढ़ाई में पास होने के लिए 3 सर्टिफिकेट ले लो, एक स्वयं
स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। यदि यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं तो अपने को सदा बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगे। वह दुआ मांगेंगे, वह दुआ मांगेंगे नहीं, लेकिन सर्व की दुआएं उनके आगे स्वतः आएंगी। तो बोलो मीठे मीठे भाई बहने, स्वयं को सर्व की दुआओं से संपन्न अनुभव करते हो ना? बाकी वर्तमान समय मधुबन बेहद घर में खुशनुमा मौसम के बीच देश विदेश के हजारों बाबा के बच्चे अव्यक्त मिलन के इस अलौकिक पार्ट का अनुभव करने, स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए भाग भाग कर आ रहे हैं। बाप दादा की अवतरण भूमि के शक्तिशाली प्रकंपन, योग तपस्या का वातावरण, अनेक महारथी अनुभवी भाई बहनों की क्लासेस सभी को खूब भरपूर कर देती हैं। आप सभी भी अपने टर्न अनुसार मधुबन घर में आने की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, सर्व को याद प्यार, ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी जी। दादी जी ने विशेष दिसंबर माह के लिए हम ब्राह्मणों को पुरुषार्थ बताया। सदा संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि बनो। संतुष्ट मणि बनने के लिए विशेष तीन सर्टिफिकेट का अटेंशन खिंचाया। पहला सर्टिफिकेट दादी ने बताया स्वयं स्वयं से संतुष्ट, दूसरा सर्टिफिकेट बाप दादा द्वारा लेना है, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। जो भाई बहन ये तीनों सर्टिफिकेट ले लेंगे उन्हें किसी से दुआएं मांगनी नहीं पड़ेंगी, उन्हें दुआएं स्वतः और सहज मिलती जाएंगी, और वे दुआओं के झूले में उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। जिसके लिए दादी ने विशेष एक बात पर अटेंशन दिलाया कि कोई भी सेवा करते सदा संतुष्टता का अनुभव हो। यदि सेवा करते असंतुष्ट होते हैं तो ऐसी सेवा नहीं करनी है। सेवा अर्थात संतुष्टता। संतुष्ट मणि बनने के लिए दादी ने अटेंशन दिलाया सदा प्रसन्नता की लहर फैलाते चलो, प्रसन्न रहो और प्रसन्नता फैलाते चलो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली से सामना हो या कर्म भोग हो, हर परिस्थिति में स्वयं को बाबा की याद की लगन में मगन रखते हुए संतुष्ट मणि की झलक चेहरे से दिखाना है, अर्थात प्रसन्नचित होकर रहना है। प्रसन्नता जब ही प्राप्त होगी जब सर्व प्राप्तियों से भरपूर होंगे। ब्राह्मणों का गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ दिसंबर माह के लिए मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए आया। ओम शांति।